तो बड़ी खबर आपको दे दें, मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में भारी लापरवाही उजागर हुई है। नियमों की अनदेखी कर एक डॉक्टर ने की 65 मरीजों की सर्जरी। चिकित्सा नियमों के अनुसार एक डॉक्टर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 12 सर्जरी यानी 12 ऑपरेशन कर सकता है। आंखों की रोशनी छीनने वाला मुजफ्फरपुर का अस्पताल फिलहाल सील कर दिया गया है। 27 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, 15 मरीजों की आंखें भी निकालनी पड़ी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दिए। तो लापरवाही ने 15 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। आखिर यह मामला है क्या, पूरी कहानी है क्या, यह हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और यहीं से यह सारी गड़बड़ी शुरू हुई। ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंखों में इंफेक्शन फैला, इसकी शिकायत लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचे। इंफेक्शन के शिकार 25 लोगों का ऑपरेशन 22 नवंबर को हुआ था। 22 तारीख को 25 लोगों का ऑपरेशन हुआ। इंफेक्शन बढ़ने पर 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था। आशंका है कि यहां खराब होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसी शिकायतें लेकर मरीज अभी भी पहुंच रहे हैं अस्पताल में और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति वाकई में खराब है।